बच्चा क्यों परेशान है बताओ, क्या हो गया बेटा? सर यूट्यूब पर वीडियो बनाया था तो अच्छा वीडियो चल रहा है, वो ट्रेंडिंग में ना, तो यूट्यूबर है वो इसको रोस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रोस्टिंग करने वाले या जो भी चीज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप में कोई भी, अगर ऊपर वाले ने अगर आपको कोई भी क्वालिटी दी है ना, तो लोग अपने आप में उसमें बुराइयां ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जी आपको उसे सर, डीमोटिवेट नहीं होना है, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक आप अपना काम करे जाओ, और अगर आप ये देखोगे कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो फिर आप आगे पॉजिटिव नहीं हो पाओगे। तो अभी क्योंकि जी आपकी एज ऐसी है, आपने अपनी एज में कुछ भी अगर चीजें करी है और लोग अगर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप इस तरफ फोकस दो। क्योंकि अगर आपके वीडियोज को अगर मिलियंस और बिलियन में लोग लाइक करते हैं या पसंद करते हैं, व्यूज देखते हैं, तो इसका मतलब आपको पसंद करने वालों की संख्या ज्यादा है। रोस्टिंग जी करने सर वाले 10 या 20 होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो उससे क्या फर्क जी पड़ना? सर बराबर सर, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। सर। इसलिए इसलिए हमेशा फोकस उस चीज पे रहना चाहिए जो आपको पसंद करते हैं। पसंद करने वालों के लिए आप फोकस करके उन लोगों से जुड़े रहो, रोस्टिंग वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बच्चे में क्वालिटी है सर, बट लोगों से थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे हैं। नहीं, लोगों की सुना मत कर भाई तू, है ना, लोगों की बिल्कुल मत सुना कर। तू वीडियो बनाता जा, मैंने देखा तेरे 20 वीडियो वायरल हो रहे, अच्छे वायरल हो रहे, तो बस बनाता जा बस, ठीक है ना। लोगों का बिल्कुल, अरे लोग क्या कह रहे बिल्कुल हैं ये सोचते बिल्कुल क्यों, सर, सोचना नहीं है तेरे को बिल्कुल ही। जी, दुनिया बोलने का काम है, बोलने दो उनको। अब तू ये देख, छोटे सा मैं क्या कह रहा हूँ, देख लोग कितने ना तेरे, मतलब तेरे को कितने, मतलब डिमोटिवेट करते, हजार करते हैं, तो तू सोच तेरे को देखते कितने लोग हैं, कितने लोग देखते तेरे को, हैं हजार को बिल्कुल छोड़ और एक को बराबर। देख, फर्क पर शंभू देखो, रमेश जी को देखो सर, दोनों हाथ नहीं है फिर भी कितना मेहनत कर रहे हैं। नीचे भैया को देखो, दोनों हैंड नहीं है इनको, इनकी तकरीबन वीडियो मिलियन नहीं है यूट्यूब पर, बहुत सारी वीडियो। ओके। वो उन लोगों को मत देखो, रोस्ट करें उनको। नेट का इश्यू आ रहा है मेरा कुछ। आपका नहीं है सर, आपका इश्यू नहीं हो रहा सर, अभी हो रहा है आपका हजरा। 26 जनवरी को आप देखेंगे मेरा वीडियो, जरूर देखेंगे, हम स्टोरी भी लगाएंगे। आप बाकी यूट्यूबर जो रोस्ट कर रहे हैं उनको करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को भी आपको। अरे शंभू, लोग बोलेंगे, बोलने दो, आप अपना काम रखो। जी सर, ऐसे बोलने वाले बहुत है, उंगली लगाने करने वाले बहुत है, आप अपना काम से काम रखो। उनको बताना चाहता हाँ, उसको खुल के सामने बोल दो, बस बस बस, हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लो आप। अगर कोई खुल के सामने आके बोलता है तो मुझे बोलना, आप पीछे से बुराई करने वाले करते रहेंगे। और ये पीछे बोलने वाले भी बहुत होते हैं, थोड़ा इनसे बच के रहना, हाँ इनको बोलने दो, बस इनकी बातों पे ध्यान मत देना। ध्यान मत दो, उनको इग्नोर करके आप वीडियो बनाते रहो। सब सब तेरा चैनल डाला हुआ है लिंक में ना, पूछ रहे कुछ चैनल क्या है, मतलब यूट्यूब का, इनके आईडी भी लिंक डाला हुआ है, ठीक है ना, इंस्टाग्राम आईडी लिंक डाला हुआ है इनके। हाँ, तो कोई आपको कुछ बोलता है तो डिमोटिवेट मत होना, उनको बोला आप ठीक है अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। करता बाय। मेरी मम्मी ने कल यूट्यूब का रोस्ट वीडियो देखा, हाँ बताया था मामा ने मेरे को, उसपे मेरे को
हाँ किया है आपको रोस्ट। पर उस पे एक गंदी वीडियो डाली थी दूसरे लड़के, तो डालने दो बेटा उनको, आपने अपनी आईडी पर नहीं डाला गंदा वीडियो ना, आप मत डालना, लोग कुछ करते हैं उनको करने दो। बेस 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 तेरे को बस कॉपीराइट और अलग मतलब कुछ नहीं जाना, तो तेरे रिलेटिव हर चीज रखा कर। रमेश जी एक मोनू भाई को तो आप बिल्कुल ही मत सोचना कि मेरे को कोई क्या बोल रहा है, मेरी गंदी वीडियो बना रहा है, ऐसे बोल रहा है, आप अपना काम करते रहो। जी सर। अगर कोई पर्सनली पर्सनली आपको मैसेज करता है तो मेरे को बोलना आप। ठीक है हाँ।